हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं कैसा सिनेरियो रहेगा, इसमें कैसा प्रेशर आ सकता है, बाइंग सेलिंग पीसी क्या सिनेरियो रहेगा, हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी कैसे काम करेगी। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और चार्ट यहाँ पर काफी बेहतरीन बना है। ये चार्ट बिल्कुल मेरा पिछले लगभग 10-15 दिन से सेम ऐसा ही चार्ट चल रहा है, सेम वही लेवल्स का जो मैं लेवल्स जो अज्यूम करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट वैसे ही लेवल मेरे को इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा। तो अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्पॉट लगा, एक रेजिस्टेंस लगाया था और यहां से लेकर यहां तक एक मैंने रेंज बनाई थी। ये रेंज क्या थी कि जब इसके ऊपर जाएगा हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे। अब इसमें हुआ क्या, सिंपल सी बात, उस दिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये रेंज के ऊपर मार्केट गई लेकिन इस रेंज के बीच में ही क्लोज हो गई। तो हमारा बाइंग करना कब बनता था, जब इसके ऊपर जाती यहां पर हम बाइंग करते, क्योंकि एक रेंज थी, रेंज टूटी तो हम बाइंग करते यहां तक के टारगेट के लिए। लेकिन यहां पर ये सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे हो गई। और आज की मार्केट जबरदस्त मार्केट थी, वो कैसे, देखिए रेंज थी, रेंज को ये आज भी तोड़ नहीं पाई और ये अपना ऑलमोस्ट जो इसकी पिछली प्रीवियस स्पॉट थी उसके पास जाकर इसने एग्जैक्ट स्पॉट ली और यहां से एक परफेक्ट डोजी कैंडल बनाई है। तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है, मैं अब इसमें क्या देखने वाला हूं, देखिए अब इसमें दो बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक रेंज है, रेंज कहां पर है, 18317 की, और इसकी क्लोजिंग कहां पर है, 18315 की, पहली चीज। दूसरी, इसका हाई कितना है, 18325, यानी कि 18325 के बाद थोड़ा सा ये 18335 या 40 तक जाए, यानी कि अराउंड 344 तक जाए, मैं बाइंग कर लूंगा। यहां पर बाइंग करने के बाद मेरा पहला टारगेट 383 से 400 के बीच में, उसके बाद 450 से लेके 473 तक का जो टारगेट होगा। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो काफी अच्छी मूव इसमें चलनी हुई स्टार्ट होगी। देखिए यहां से मूव गया, नीचे आया, यहां पर गया, रिट्रेस किया, अब मैं इसका जो नेक्स्ट लेवल है मैं यहां तक देख रहा हूँ। तो कल मेरे को लग रहा है ये ऑलमोस्ट 400 तक तो आराम से जाएगी, 400 से लेकर 473 तक का जो टारगेट है वो हमें मिल सकेगा। एक बार इसको 15 मिनट पे एनालिसिस करके देखते हैं, 15 मिनट पे क्या हो रहा है। 15 मिनट पे एक सिंपल सा सिनेरियो है, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास हुई है, यहाँ से एकदम सेलिंग आई है। देखिए रेंज का कितना जबरदस्त काम था, यहाँ पर मार्केट हुई, यहाँ पर ऑलमोस्ट बंद हुई और कहाँ पर, स्पॉट के पास 15 मिनट के कैंडल पे क्या बनी डोजी। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी स्पॉट के पास डोजी या फिर हैमर, अगर रेजिस्टेंस के पास डोजी प्लस कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो सेल कीजिए, यहाँ पर अगर बने तो बाई कीजिए। कितनी अच्छी मूव थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको टारगेट मिला, यानी कि आपने अगर बाई किया होता 18209 पे तो आपका जो टारगेट 18325, यहाँ पर चलो मोटा मोटा 18300 लगा लेते तो आपको 90-100 पॉइंट आराम से मिल गए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम 15 मिनट का चार्ट अगर एनालिसिस करें तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 18343 के ऊपर हम बाई करेंगे, 18383 से 400, 400 के बाद 18440 से 18473 तक के टारगेट के लिए। तो काफी अच्छी मूव थी, ये मूव आपको पकड़नी चाहिए, अगर आपने मूव नहीं पकड़ी तो नेक्स्ट हम देखेंगे कल क्या सिनेरियो होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि ये रेंज काफी स्ट्रॉन्ग रेंजेस है और ये रेंजेस मेरी लगभग पिछले 10 से 15 दिन की बनी हुई है और उसके बीच में ही मार्केट काम कर रही है और परफेक्टली काम कर रही है। बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम में 5 मिनट का जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छी हैमर कैंडल बनी अपने स्पॉट के पास, स्क्वाड हुआ, पहले इसे यहाँ पर गया, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे हम, उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो हालांकि एक रेंज है, रेंज के बीच में आपको चाहिए था कि आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद आप इसको सस्टेन करने देते, एटलीस्ट इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाते तभी हम बाइंग करते, लेकिन इसके बीच में सस्टेन नहीं कर पाई, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, एक तरह की साइडवेज काम ही हुआ, क्योंकि साइडवेज क्या एक अपने जो दिन का डे का लो था उससे लेकर डे के हाई के बीच में ही इसने काम किया है, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग आई है। तो सिंपल सा सिनेरियो है, 18343, 18383, 400, 18440 और 473 तक के टारगेट के लिए हम कल इसको देखेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम चार्ट लगाते हैं डे का, तो डे के चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं। तो डे का चार्ट भी काफी अच्छा सेम, देखिए दोबारा से वही बात कि आप एक बार इस सेटअप को सीखिए, काफी अच्छा सेटअप है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज क्या है, रेंज, एग्जैक्टली आज की जो बाइंग है कहाँ पे है, ये रेंज यहीं पे बाइंग आई है, रेंज के पास ही पहले टूटी, यहीं से एकदम बाइंग आई और ये अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोजिंग दे गई है।
पिछली वीडियो भी आप इसकी देख सकते हैं, सेम वही लेवल्स पिछले इसमें भी 8-10 दिनों से वही मार्क है, स्ट्रॉन्ग रेंजेस है और जहां पर रेंज बनती है वहीं से इसकी मूव आई थी। यहां पर देखिए आप, यहां पर ये मार्केट आई, यहां से इसने काफी अच्छी बैक बाउंस किया और ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ पर आई और दोबारा इसने बाउंस किया। तो काफी अच्छा सिनेरियो है, इन सेटअप्स को सीखे, ये वाले लेवल अपने पीसी पे लगा लीजिए तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के लिए जो आज की कैंडल है, कैंडल काफी अच्छी बनी है, नीचे से काफी जबरदस्त बाइंग आई है यहाँ के ऊपर, यानी कि 18383 के ऊपर हम बाइंग करने की सोच सकते हैं, 18488 614 और 787 के टारगेट के लिए। सिंपल सिंपल छोटे छोटे से टारगेट हैं, यानी कि अगर देखिए आप यहाँ पर अगर बाय करते हैं 343 390 के ऊपर तो 488 614 787, यानी कि 350 तक पॉइंट है जो हम धीरे धीरे उनको अचीव कर सकते हैं। बात कर लेते 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर, तो 15 मिनट की कैंडल्स क्या बनी है, बहुत अच्छी। अब ये चीज देखिए आप, ये चीज सबसे बेहतरीन देखने वाली चीज है, ये क्या थी, यही इसी को तो सेटअप कहते हैं। देखिए ये पूरा मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा था, ये एक रेजिस्टेंस था, इसके बीच में काम कर रहा था, यहाँ पर क्या बना, जब भी रेजिस्टेंस के पास हमारे किसी लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर बनेगी, हम सेल करेंगे तो यहां तक का यहाँ मूव, यहां तक का मूव आया, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहां पर अब हमारे प्रॉफिट बुक करना था, हुआ, और यहां पर क्या बन गई, परफेक्ट डोजी कैंडल, और यहां से दोबारा यहां तक चला गया। तो दोनों साइड की जो मूवमेंट थी वो कैप्चर होगी, जो रेजिस्टेंस था वहां से हमने सेल करके यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया, और यहां से हमने यहाँ पर बाइंग करके इसके ऊपर यहाँ तक का जो एनालिसिस है वो किया और उसमें हमें प्रॉफिट है, यानी कि डबल साइडेड प्रॉफिट हुआ। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, रेंज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पर डोजी बनी और यहाँ से काफी अच्छा हमें मूव भी मिल गया, ऑलमोस्ट अपने डे हाई के पास जाकर क्लोज होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, सिंपल से सेटअप के साथ, कोई आपको इंडिकेटर्स वगैरह नहीं जरूरत है, आप अगर यही वाले लेवल्स भी अपने आप कम पीसी पे लगा लेंगे तो आपको इससे काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये मैंने काफी छोटा कर दिया, यहाँ से आप ये लाइन्स ड्रॉ कर सकती है, यहाँ से आपको काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, कैसे, 488 614 787 986 144 120 तक का जो टारगेट है वो आपको धीरे धीरे टर्म्स में मिल सकते हैं। आप छोटे छोटे पॉइंट्स पर जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हर एक में 100 से 150 पॉइंट का जो मूव है। और अगर हम बात करें इसकी 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो सेम सिनेरियो था, आज की कैंडल बनी कहाँ पे, यहाँ अपने रेंज के पास, रेंज के पास इसने बनाई हैमर कैंडल, हैमर कैंडल के बाद यहाँ तक का पैदा मूव 150 पॉइंट का, यानी कि लगभग ये यहाँ से 815 से ये गई 43, यानी कि 250 पॉइंट तो आपको यहीं पे मिल गए। तो ये रेंज है, उसके बाद आपने इसका जो साइडवेज का मूव हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक मूव कैप्चर करने वाली थी, एक कैप्चर हुई, यहाँ पर काफी अच्छा मूव आया, यहाँ से 5 मिनट का भी काफी अच्छा सिनेरियो बना। ये देखिए ये रेंज थी, एक रेजिस्टेंस था, वहां पर सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, यहाँ तक का मूव बना, यहाँ से फिर यहाँ तक का मूव बना, और उसके बाद तो ये साइडवेज ही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इन चीजों को आप सीखने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपके पास ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स छोटे छोटे लेवल्स के बाद आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।